सब लोग पटना से आए हैं और अपना जो एडमिट कार्ड था, जो भाई बहन गलती से सरकार के झांसे में आके भर दिए, उन्होंने अपना एडमिट कार्ड जला दिया है। और सभी शिक्षक स्वतः स्फूर्त यह संकल्प ले रहे हैं कि अगर हम किसी के बहकावे में आकर के परीक्षा का फॉर्म भर दिए हैं तो वो तो पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहे। उससे पहले बता दें आपको कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने शिक्षक एकता मंच के बैनर तले शिक्षकों ने भरी हुंकार। सभी शिक्षकों ने 3800 जिला मुख्यालय पर आज अपना एडमिट कार्ड जलाकर किया अपना आक्रोश का इजहार। नहीं देंगे शिक्षक सक्षमता परीक्षा का एग्जाम। तो आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू तथा आनंद कौशल सिंह। एडमिट कार्ड था जो भाई बहन गलती से सरकार के झांसे में आके भर दिए, उन्होंने अपना एडमिट कार्ड जला दिया है। और सभी शिक्षक स्वतः स्फूर्त यह संकल्प ले रहे हैं कि अगर हम किसी के बहकावे में आकर के परीक्षा का फॉर्म भर दिए हैं तो वो वहां से अप्रूवल नहीं प्राप्त करेंगे और किसी भी सूरत में हम परीक्षा देने सेंटर पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अपनी मान सम्मान की लड़ाई है, ये शिक्षकों की लड़ाई है, उनको बेघर करने की साजिश रची जा रही है। परीक्षा का डेट था 26 फरवरी से 13 मार्च, अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है, कोई शिक्षक जाने के लिए तैयार है, फॉर्मे नहीं भरा, जो गलती से भर दिए हैं वह भूल सुधार कर रहे हैं और अपना एडमिट कार्ड जला दिए हैं और अब कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में परीक्षा देने सेंटर पर नहीं जाएंगे। तो जितने भी भाई मेरे घर में है, हाथ जोड़ के विनती है, कोई नुकसान आपको तो हो नहीं रहा है, जब हम लोग निर्णय ले लिए हैं और अनेकों बार सरकार कह रही है, मौका दे करके आपकी एकता को तोड़ भी रही है, तो आप अपनी एकता को कमजोर ना होने दें और परीक्षा का फॉर्म भर दिए, तो प्रार्थना है कि इस गलती को सुधारने का अवसर हम लोग सब लोग आपके पास है, आप फॉर्म भर दिए, परीक्षा देने नहीं जाएंगे। अरे हमको बिना शर्त राजकर्मी, जब बार बार कह रहे हैं परीक्षा दे चुके हैं, परीक्षा नहीं देंगे, और सरकार घुटना टेक चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में भी हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं, उनसे भी निपटिए अपने अपने जिला और अपने अपने ब्लॉक में। हम लोग कह दिए हैं कि जो लोग भी संगठन के लोग अगर फॉर्म भरे हैं तो उनको संगठन से निकाल दिया जाएगा। सरकार अपना दलाल हम लोग के बीच में छोड़ चुका है, उन दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है और एकदम संकल्प को बुलंदी से लेना है। 1100 रुपये का चिंता मत कीजिए, वो संघर्ष में दान कर दीजिए, नीतीश कुमार जी को बिहार के विकास के लिए दे दीजिए, लेकिन हम परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि आपको 3 जिला का ऑप्शन दे करके आपको जिला से बेघर कर देगा, बूढ़े माँ बाप के समक्ष संकट हो जाएगी, बाल बच्चे तबाह हो जाएंगे, यही संकल्प हमारा था, तो पीछे हटने का सवाल नहीं उठता है। आइए प्रदीप कुमार पप्पू बिहार शिक्षक एकता मंच के संयोजक आपसे अपील करेंगे। शिक्षक साथियों को सर्वप्रथम बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन वादन करते हैं। साथियों, आज मुझे पूरे का पूरे गर्व है अपने शिक्षक साथियों पर, जिन्होंने हम लोगों ने जो कहा कि बिहार के शिक्षक बिहार सरकार को चकनाचूर करेगी, बिहार सरकार को बैकफुट पर लाएगी और बिहार सरकार को सक्षमता परीक्षा की बात समाप्त कर उन्हें बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने, ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा लागू करने, साथ ही विभिन्न जिलाओं में जो शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है, वेतन कटौती की जा रही है, निलंबन की कार्रवाई की जा रही है, इस तरह की कार्रवाई को बिना शर्त वो वापस ले, इस मुद्दे पर जो बिहार के शिक्षक का आंदोलन है, उबाल है, वो आज भी देखने को मिला और आप अवगत भी हैं साथियों। आज तो शिक्षक साथियों ने हुंकार भर के यह बताने का काम किया, हमने भूलवश भ्रम में आवेदन तो कर दिया था, जैसे ही कल हम लोगों ने बिहार शिक्षक एकता मंच का बैठक करके यह फैसला लिया कि शिक्षक इस समकक्षता परीक्षा का विरोध करेगा, साथ ही अपने एडमिट कार्ड को रविवार को जिला स्तर पर जलाएगा, लेकिन आज चमत्कार हमारे वैसे शिक्षक साथियों ने किया कि आज शिक्षकों ने प्रखंड स्तर पर भी अपने एडमिट कार्ड को जलाकर विरोध प्रकट किया और सरकार को समझाया कि आपने जो भ्रम फैलाई थी, हमें गुमराह किया था, हम उसका पर्दाफाश करते हैं एडमिट कार्ड को जलाकर। जिला स्तर पर भी शिक्षकों ने भारी संख्या में अपना एडमिट कार्ड जलाकर परीक्षा का विरोध किया। हम वैसे साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज वो शिक्षक भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने शुरू से ही लगातार सरकार के नीति के विरुद्ध लड़ाई का ऐलान भी किया
और सक्षमता परीक्षा में आवेदन नहीं किया। साथियों, हम कहना चाहते हैं जिस तरह जिस उमंग से आज शिक्षकों ने अपना एडमिट कार्ड को जलाया है, वैसे साथियों को पुनः कहना चाहते हैं जो अभी तक घर में बैठे हैं, परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं, उनसे हम एक लाइन में कहना चाहते हैं कि आप अपने गले में फंदा न लगाएं, आप भी घर से निकलिए, एडमिट कार्ड को जलाइए और कल से जो परीक्षा प्रारंभ हो रही है उससे दूर रहिए, पूर्ण बहिष्कार करिए। पूर्ण बहिष्कार ही आपकी तमाम समस्याओं का समाधान है। अगर समस्या मुक्त होना चाहते हैं तो आप सक्षमता परीक्षा का पुरजोर विरोध करें, एडमिट कार्ड जलाकर परीक्षा में भाग नहीं लेकर, साथ ही अगर कोई साथी भूल चुक से परीक्षा के तरफ झांके भी तो उन्हें भी रोके, यह हम आपसे अपील करना चाहते हैं। साथ ही साथियों, हम कहना चाहते हैं कुछ साथी हमारे सांगठनिक रूप में भी अगर सक्षमता परीक्षा के संदर्भ में किसी साथियों को भ्रमित किया होगा तो वैसे संघीय पदाधिकारियों पर, प्रतिनिधियों पर हम लोगों का नजर भी है और हम लोगों ने वैसे संघीय पदाधिकारी को संगठन से निष्कासित करने का काम किया है। इसलिए साथी, आपसे हम कहना चाहेंगे डरना नहीं है, लड़ना है और इस लड़ाई में आपकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं, बिना शर्त राजकर्मी का सुविधा कैसे मिले, ऐच्छिक स्थानांतरण का सुविधा कैसे मिले, यह आपको सोचना है। जिस तरह की आंकड़ाएं दी जा रही थी कि भारी संख्या में शिक्षक आवेदन किए हैं, अब तो विभाग परीक्षा समिति का जो पत्र निकला है वो उनका पूरा का पूरा पोल खोल दिया है। जहां 13 तक परीक्षा होनी थी, 26 फरवरी से 13 मार्च तक शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया, शिक्षक की संख्या नहीं हुआ परीक्षा के लिए। इसलिए आप देखिए पत्र निर्गत कर दी गई है, अब 26 फरवरी से 6 मार्च तक ही परीक्षा होगी, तो कहीं ना कहीं तिथि घटाई गई है, उन्हें अभ्यर्थी नहीं मिल रहा परीक्षा देने वाला। और आज जिस तरह सारे लोग एडमिट कार्ड जला रहे हैं, विरोध में खड़े हो रहे हैं, तो 6 नहीं 26 को ही सिमट जाएगी उनकी परीक्षा। ऐसी तैयारी आपको करनी है कि 26 को परीक्षा शुरू और 26 को ही परीक्षा बंद हो जाए, ये आपको करने की आवश्यकता है। इसलिए साथी, यह लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना है, इसमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने हक हुकूक की, आप अपने समस्याओं के निदान हेतु स्वयं खड़े हो। तो अभी आप सुन रहे थे बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह तथा शिक्षक एकता मंच के बैनर तले सभी प्रतिनिधि इसमें मौजूद हैं। सभी शिक्षक संघ के प्रतिनिधि एक साथ हैं और सभी शिक्षकों से अपील कर रहे हैं कि आज हर जिला मुख्यालय में अपना एडमिट कार्ड जला दे और 26 तारीख को पूर्ण सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करे, ताकि 26 तारीख को ही परीक्षा समाप्त हो जाए और बंद हो जाए और नियोजित शिक्षकों की मांग पूरी हो जाए। क्योंकि यह मांग जो है सभी के लिए है। अगर आप घर बैठे बैठे अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका आंदोलन सफल हो जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।